हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। सो गाइस, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे आने वाले न्यू वीडियो को सबसे पहले वॉच करने के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए, आप लोगों को आज मैं शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स की रोज़ हेयर सीरम। इसकी एडवर्टीजमेंट मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मुझे भी ट्राई करना चाहिए अपने व्यूवर्स के लिए। तो सो गाइस, मैंने आज लिया है गुड वाइब्स की ये रोज़ हेयर सीरम। ये इस तरह की छोटी सी टिनी पैक में है। ये रेडियंट ग्लो फेस सीरम है, नो पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है। और मैंने इसे कुछ दिनों से ट्राई किया, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये 225 रुपीज का है। एक बार आप इसकी, मैं आपको इसको करीब से दिखा दे रही हूँ। सो गाइस, तो ये छोटी सी टिनी इस तरह की पैक में है, आप देख रहे हैं। कुछ दिनों से मैं इसका यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि एग्जैक्टली आप लोगों से, ये रोज़ हेयर सीरम है एंड ये ऑल स्किन टाइप है, ऑल स्किन पे ये सूट करेगा। बस किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको 2 टाइम अ डे यूज़ करना है गाइस, क्योंकि मैं इसको 2 टाइम अ डे यूज़ कर रही थी। तो मुझे किस तरह का ग्लो एंड रेडियंट स्किन मिला है आपको, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। एंड आपको इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको वीडियो में फुल वॉच करूँगी। फेस वॉश कर लेने के बाद आपको इसका एप्लीकेशन कर लेना है, फिर इसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद मुझे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करें या सीरम अप्लाई करें या फिर नाइट क्रीम यूज़ करें या डे क्रीम कब यूज़ करें। ये सब चीज़ों के लिए मेरी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बट मैं अभी डे की एक रूटीन बता रही हूँ कि आपने फेस अच्छे से वॉश कर लेना है मॉर्निंग में, उसके बाद अपने रोज़ हेयर सीरम कोई भी ब्रांड का लगाते हो, बट मैं अभी फिलहाल इसकी बना रही हूँ। ये मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही थी इसलिए मैं आप लोगों से इसकी रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये प्रमोशन वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने खुद की यूज़ के लिए मंगाया हुआ था। तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा एंड इसकी 2 ड्रॉप एंड 3 ड्रॉप्स काफ़ी होती है। पूरे फेस पे अच्छे से इस तरह से लगाइएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड इसके बाद गाइज, आपको इस तरह से दिख रही, किस तरह की लिक्विड फॉर्म में है। एंड आपको बस इसका एप्लीकेशन कर लेना है, उसके बाद आपने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा सी। एंड उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद आपने इस पर सनस्क्रीन लगा लेना है। अगर डे में और नाइट में लगा रहे हो तो इसको अप्लाई करने के बाद आप नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं है। इस तरह से थोड़ा मसाज की कर लिया कीजिए अपने स्किन पर। इसे मसाज से क्या होगा ना, क्योंकि रोज़ ये सीरम है तो मसाज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरह से ये फिंगर से करिएगा, इस तरह से किया कीजिए, 25+ से करेंगे। एंड गाइस, इस तरह से देख सकते हैं स्किन पे एकदम रेडियंट स्किन पे तुरंत में इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, शाइन। इस तरह से यहाँ पे आपको शाइन दिख जाएगी, इंस्टेंट ग्लो एंड बहुत रिलैक्स। इसमें बिल्कुल भी कोई चिपचिपाहट नहीं है, ना ही स्किन पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ एप्लीकेशन किया हुआ है। चाहे तो आप घर पे रहते हैं सिर्फ इसका ही एप्लीकेशन डे में भी रह सकते हैं एंड नाइट पे भी इसको आप अप्लाई करके सो सकते हैं। बट अगर आप फिर भी नाइट क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो नाइट क्रीम की भी बहुत सारी प्रोडक्ट का रिव्यू है। बेस्ट नाइट क्रीम की कौन सी है इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ कार्ड्स पे भी डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस, ये फिलहाल मेरी जो ये अफोर्डेबल रेंज वाली जो बोलते हैं ना सीरम है एंड नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। इस प्राइस पे बहुत अच्छा है, ये पर्पल पे अवेलेबल है। एंड गाइस, आप परचेज इसको करिए, नहीं करिए, बस मैं इसकी थोड़ी सी खूबी बता रही थी जो मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इसको अप्लाई करने के बाद आपको रात में कोई ऐसा मैजिक होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मत सोचिएगा, डे बाय डे यूज़ करने से स्किन पे बस एक रेडियंट ग्लो दिखेगा, कोई शाइनिंग होगी, थोड़ा फाइन लाइन वगैरह थोड़ी सी कम होना शुरू होगी, बट आपको इस पर गोरापन नहीं मिलेगा। ये भी मत सोच के इसे परचेज़ कीजिएगा, ना ही इसको यूज़ करने के तुरंत बाद आपको इंस्टेंट मतलब फेयरनेस मिलेगी, यह सब नहीं है। एंड गाइस, आपकी बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, इस तरह से फेस अगर हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल होगी इस सीरम को ख़रीदने से पहले और आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस, आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नेक्स्ट मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।